गाइस नदी काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने सब मिलके गांव वाला सब लोगों ने मिलके एक साथ में बांध बनाया है। देख लीजिए गाइस, ये एरिया जो है इसे जारकू कहते हैं, जारकू विलेज। क्या ये बांध नदी को रोक पाएगा? इसे डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। और यहाँ देखिए, ये जो कैंप है इसमें रात में यूथ वाला जो ड्यूटी करते हैं रात को, ताकि अगर नदी भरा हो जाए तो सबको इन्फॉर्म करने के लिए। मिक्सचर मशीन भी रखा हुआ है कंक्रीट बनाने के लिए। ये जो ट्रक है इसमें बोल्डर लाया जाता है। इस साल स्यांग नदी काफी भयानक रूप ले चुका है। चलिए यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नदी का हाल। देखिए जो बांध बनाया हुआ था वो भी धस चुका है। ये तो गया रे। वाटर का वॉल्यूम देखिए काफी ज्यादा है। वॉल्यूम पानी का वॉल्यूम देखिए। और अब मैं ऊपर वाला बांध में आ चुका हूँ। यहाँ से मैं आप लोगों को कोमली घाट लेके जाऊंगा, वहाँ भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि वाटर लेवल कितना है। बहुत से लोगों ने कहा है कि वहाँ भी बहुत पानी बढ़ चुका है, तो देखते रहिए। नदी के उस पार पहाड़ में बसा हुआ है मेबो टाउन। मैं आपको वहाँ भी कभी दिन लेके चलूँगा। यह है कोमली घाट, मैं पहुंच चुका हूं। यहां से देख लेते हैं सियांग का नजारा।
ये जो रास्ता है, ये जो आप डीसी बंगला से पागलेक होते हुए आप सियांग पहुंच सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर है एक मंदिर, देखिए वाटर लेवल काफी बढ़ चुका है, डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा है। अब जब विंटर में आओगे तो पूरा रेत ही रेत आपको दिखाई देगा, और मानसून में आपको पूरा पानी पानी, मीन्स विंटर में आपको राजस्थान और समर में सागर हो जाएगा। ये देखिए देखिए ये वाला जो जगह है, इसमें अक्सर लोग आया करते हैं मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और से घूमने के लिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पूरा पानी ही पानी हो चुका है। ये तो नदी नहीं, अभी सागर लग रहा है इसे, सागर।